ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗੁਰਦਾਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਲੂ ਕੋਲ, ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂੜੀਆਂ। ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। आलू की सब्जी बनाने वास्ते इतने मैं आलू लै लेने, अद्धा किलो आलू लै लेने, इन्हों मैं उबाल के रख लिया सीगा। थोड़े जे आप लै ले खड़े मसाले, अजवैन लई जीरा लिया, ते थोड़ी जी लई राई, राई एक लिया तेज पत्तर, थोड़ी जी लई सुकी मेथी, ते दो तीन लतुरियां आप लई लसन दी सलाइस लंबियां कट के, ते दो लई नींबू। हुण आप इतने कोई प्याज नहीं पाना, कोई टमाटर नहीं पाना, सिर्फ सादे खड़े मसाले आप आलूआं नूं लाना तड़का। हुण आप आलू छिल लैने, हुण पा देंगे आप तेल। तेल गर्म हो गया, हुण आप इहदे च पा देने खड़े मसाले। हुण आप पा देंगे इहदे च लसन, हल्दी, नमक, लाल मिर्च। एक पैकेट पावांगे आप मैगी मसाला। हिला देंगे, इतने आलू फेंक लैने, हाथ नाल फेंक के पावांगे। तुहाडी मर्जी है, तुसीं इन्हां नूं कट के भी पा सकदे हो, पर मैं इतने हाथ नाल आलू फेंक के फिर पावांगी सब्जी विच मसाले विच। हुण आपां कर देणे आ इत्थे मिक्स। थोड़ा जिहा आपां इन्हां नूं भुन लांगे मसाले दे विच आलूआं नूं, ते फिर आपां पा देणे थोड़ा जिहा पाणी। हुण आपां पा देणे पाणी, तुसीं इत्थे सब्जी दे विच पाणी अपनी मर्जी दे मुताबक पा सकदे हो, तुहानूं किन्नी ग्रेवी चाहीदी है सब्जी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੇ ਰਿੱਝਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ, ਤੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਖੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਖਾਣਾ ਮਸਲ ਕੇ ਮੇਥੀ। ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਢੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪੂੜੀਆਂ। ਇਹ ਪੂੜੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ।
बनाने वास्ते मैं ले लिया जी इत्थे एक कौली आटा ते इहनू आपां छान लैने आ पहलां जेड़े को जेड़ी कौली दे नाल आपां आटा नापे सी उसे कौली दे नाल आपां पानी पाउणा नाप के ते उहदे वल उहदे वास्ते अहीं चलदे हां चुल्हे वल। एक कौली आपां आटे दी लई सी ते हुण इहदे विच पावांगे दो कौलियां आपां पानी दीआं। आपां थोड़ा जिहा धनिया रख लिया सीगा हुण इहदे विच पा दांगे पानी च ते पानी नूं होण देवांगे थोड़ा जिहा गर्म। पानी रिज गया हुण आपां इहदे विच पा देंगे थोड़ा थोड़ा करके आटा ते आटे नूं नाल दी नाल हिलाउणा है आपां इहदे च गुठड़ियां नहीं बणन देणियां। हुण आपां इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लांगे। इहदे विच मैं अजवाइन तां नहीं पाई क्योंकि आपां सब्जी विच पहले ही अजवाइन पाती आ। इहदे विच थोड़ा जिहा बस हरा धनिया ही कट के आपां पाया। आटा तुसीं देख सकदे हो चंगी तरह तैयार हो गया पानी विच। हुण आपां इहनूं थल्ले ला के रख लैंदे हां ठंडा करन वास्ते। हुण आपां इहनूं परात च कढ लैंदे हां। रूम टेंपरेचर ते इहनूं आपां हुण ठंडा कर लांगे। आटा हो गया साडा ठंडा। हुण आपां हत्थां थोड़ा जिहा रिफाइंड पा के इहदे विच ते इहनूं आटे नूं कर लैंदे आ इकट्ठा। हुण आपां पूड़ियां वेल लैंदे आ ते इधर मैं कढ़ाई च पा के रिफाइंड चुल्हे ते रख दित्ता गर्म होण वास्ते ते पूड़ियां वेल के आपां सारियां फिर इक्को वारी कढ़ांगे पूड़ियां। पूड़ियां आपां सारियां बेल लियां। हुण आपां करदे हां इहनां नूं फ्राई। इधर तेल हो गया गर्म। हुण आपां कढ़दे हां पूड़ियां। ਵਧੀਆ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ।
लो जी साड़ी आलू पूड़ी की रैसपी होगी जो बन के तैयार। तुसी वेख सकते हो किन्नी वधिया पूड़ियां बनियां। भठूरे भी इन्हां पूड़ियां दे अगे फेल ने, बिल्कुल सॉफ्ट नरम पूड़ी बन के हुई जी तैयार, तुसी देख सकते हो। तो सब्जी भी बहुत वधिया बनी, सब्जी का कलर तुसी देख सकते हो किन्ना वधिया कलर आया जी सब्जी का। जेकर अज की वीडियो तुहानू चंगी लगी होवे तो मेरी वीडियो नू लाइक शेयर ते चैनल नू कर लियो जी सबसक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। मिलते हैं जी अगली वीडियो के विच, धन्यवाद।